दोस्तों फाइनल जो जवान की अपडेट होकर रिपोर्ट आई है, अभी तक की वो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था कि जवान इतनी ज्यादा कलेक्शन डे वन से बुकिंग करके कर लेगी। तो दोस्तों फिलहाल जवान की जो रिपोर्ट आई है, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 3 लाख से ज्यादा टिकट बुक है, वही 12 करोड़ का कलेक्शन पहले ही ये फिल्म आज कर चुकी है। दोस्तों कुछ देर पहले ही इसके 2 लाख टिकट थे, लेकिन जल्दी ही 3 लाख हो गए और आज शाम तक पता नहीं जवान कहां जाकर रुकने वाली हैं। कि जिस तरह से जवान को रिस्पांस मिला है, वो बॉलीवुड में आज तक किसी फिल्म को नहीं मिला। जिन लोगों ने पठान नहीं देखी, एक बार मौका है इस फिल्म को इंजॉय करने का। खैर दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख देगी, क्योंकि एक तो इसमें शाहरुख खान है, दूसरा दोनों विजय भी देखने को मिल रहे हैं। तो पठान तो शुरुआत थी, लेकिन सबसे बड़ी फिल्म इस साल की जवान और डंकी होने वाली है। दोस्तों जवान में हमें नयनतारा, शाहरुख खान के अलावा विजय सेतुपति और सुनील ग्रोवर जैसे बेहतरीन एक्टर देखने को मिलेंगे। फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा है, प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म बनाई गई है। इसे हिंदी तमिल सब जगह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो अब पठान का रिकॉर्ड टूटना तय हो चुका है। वही दोस्तों फिल्म के सभी एक्टर काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, चाहे वो नयनतारा हो, विजय हो, शाहरुख हो, सब एकदम से धमाका कर रहे हैं। वही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जवान ने प्रभास की फिल्म सालार को काफी पीछे छोड़ दिया है। सितंबर का पूरा महीना जवान का होने वाला है और हो सकता है इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड टूट जाए। जवान कम से कम हिंदी में 400 करोड़ की कमाई आसानी से करेगी और इससे आगे भी जाएगी, क्योंकि एक बार ऑडियंस को ये फिल्म खींच लेती है तो फिर सारे रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिर किंग खान को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना जवान कितना कमाई कर सकती है।